الحمد لله الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وقال تبارك وتعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون وقال تبارك وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُم وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ صدق الله العظيم तीन आयतें मुख्तलिफ सूरतों से जो इस वक्त मैंने आपके सामने तिलावत की पहले इन आयात का पस मंज़र और तर्जमा जहन में ताज़ा कीजिए सूर्यम में अल्लाह तरमायादीनाफूब लवकूत ए वो लोगों ईमान लाए हैं मुआहदों की पाबंदी करो वफा बिलहद आहद को पूरा करो अकद को पूरा करो जो गिरा दरमियान में तुमने लगाया है जो ताल्लुक़ तुमने कायम किया है उस ताल्लुक को तोड़ो मत उसको निभाओ दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया व आफू बहद तुम सरा नहल की आयत है, और अल्लाह ताला के साथ क्या हुआ वादा पूरा करूँ जब तुम वादा कर चुके हो वाला तनकदालयमानबादत और कसमों को उनके मजबूत करने के बाद तोड़ो मत अल्लाह के नाम से जो वादा किया जाता है उसके साथ अगर कसम ना भी हो तो वो कसम ही है अल्लाह का नाम जिस अहद में जिस मुआहदे में आ गया इसका मतलब ही है कि आप अल्लाह ताला को इस बात पे गवाह करते हैं जो अहद आप करते हैं उस अहद पे आप अल्लाह ताला को गवाह बनाते हैं। अब इसको तोड़ो मत वक़त जाल तुम्लाम कफ़ीला और तुमने तो अल्लाह तु उस पर कफ़ील बनाया है ज़िम्मेदार बनाया है अल्लाह का नाम ले कर तुमने जो माह किया उस पर वफ़ा करो इनल्लामा तफ़ालून लोगों से तो तुम बातें भी छुपा सकते हो लोगों को तो तुम धोखे में भी रख सकते हो लोगों को तो तुम अपनी चालाकी से अपनी बारात का यकीन भी दिला सकते हो अपनी सफाई का यकीन भी दिला सकते हो लेकिन इन अल्लाह मा आलून अल्लाह को तो पता है कि तुम क्या करते थे अल्लाह से तो कोई बात छुपी नहीं रहती तालीम बिज़ात सुदूर है और शूर आलफ़ाल की जो आयत मैंने तिलावत की उसमें इसका दूसरा पहलू है वो बयान किया गया है वफा का दूसरा पहलू वफा के मुकाबले में जफा है गदर है खियानत है क़त तल्लक़ है बदाहदी है वो ख़ियानत है या य्यूह लदीन अमन ला तून ला रसूल मोमिनो, अल्लाह और उसके रसूल अलैहि वसल्लम के साथ खियानत न करो दूसरे किसी के साथ भी खियानत न करो व तखून व अमानात जो अमानतें तुम्हारे पास हैं जो ओहदा, जो मनसब जो कुर्सी जो तुम्हारे पास है उसमें भी खयानत न करो वो एक सहाबी जिससे कोई थोड़ी कमज़ोरी हो गई थी हजरत हाथबर रजी अल्लाह जिसने मक्के वालों को ख़त लिखा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे ऊपर चढ़ाई का इरादा रखते हैं हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात को छुपाना चाहते थे उसे पता चल गया तो ज़ाहिर मदीने के लोगों को तो पता चलता तो जब उसका ख़त पकड़ा गया तो हजरत उमर रजी अल्लाह तु उस मजलस में थे जिस मजलिस में नबी वसल्लम ने उससे पूछा कि ये काम तुमने क्यों किया दायरा सफाई का मौका तो नबी सल्लम ने दे दिया देना चाहिए था तो हज़रत उमर रज्ल तु फौरन कहते या रसूल दानी अदरब उनकमुनाफिक अल्लाह के रसूल इनको सफाई का मौका न दो तो मुनाफिक है इसने मुसलमानों का राज इफ्शा किया है मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ाना चाहता हूँ खान खान्ला इसने तो अल्लाह साथ भी खियानत की अल्लाह के रसूल के साथ भी खियानत की और मोमिनों के साथ भी खियानत की खियानत। तो अल्लाह ने फरमाया तून और रसूल वो तून व मानातिको अल्लाह के साथ भी ख़्यात न करो बेवफाई न करो और अल्लाह के पैगंबर के साथ भी बेवफाई न करो अगर अल्लाह के पैगंबर के साथ बेवफाई कोई अलग चीज़ नहीं है तो यहाँ पे अलग उसको क्यों तस्करा हुआ जाहिर है कुछ हुकूक अल्लाह के भी हैं कुछ हकूक़ रसोल्ला के भी हैं और कुछ हकूक़ मोमिनों के भी हैं तो लातखून अल्लाह के साथ खयानत ना करो बस ये बात काफ़ी थी कि अल्लाह के साथ खयानत ना करो तो बस बात ख़त्म नहीं वर रसूल रसूल का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है उसके साथ भी खयानत ना करो मोहम्मद का एतराब भी करते हो और फिर नबी की सुन्नत की तोहन भी करते हो उसको अहमियत भी नहीं देते कहते हैं नबी तो बस एक मैसेंजर था नगुजिल्ला एक डाकिया था उसने डाक हवाले की लोगों की और बस उसका उसकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो ये कोई तरीका है ये कोई इंसानियत की बात है ये कोई पैगम्बर को मानने की बात है ये कोई पैगम्बर का एहतराम है लातखन अल्लाह और रसूल व ततून व अमानत अल्लाह और रसूल के साथ भी ख़्यात न करो वखून अमानातम एक दूसरे की जो अमानत है उनके साथ भी इसी खयानत को गदर भी कहते हैं गदर गद्दारी वो तो गद्दार है वो हमारे अठारह सौ के जंग आज़ादी को भी लोग गदर कहते हैं वही अल्लाह के बंदे वो गदर है जिहाद को गदर कहते हो गदर हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है गदर अठारह सौ के जमाने में ऐसा हुआ भाई गदर नहीं था वो तो जिहाद था नतीजा जो भी था वो तो अलग बात है नतज तो अल्लाह ताला कभी मुरतब फरमाते हैं कभी नहीं फरमाते कभी दूर कभी जल्दी कभी बाद में वो तो अल्लाह ताला के तख्तियार में है हैं था तो गदर तो नहीं था गदर ग़दर का माना है छोड़ना वफ़ा की ज़िद है गदीर अरबी ज़बान में तालाब को गदीर कहते हैं गदीर ख़म खुतब गदिर जिसमें नबी सर ने फरमाया कि मन कुन्तु मौला हो अहमद इबने हम्बल की कुछ लोग इसकी बड़ी बातें मनाते हैं ये हदीस है नहीं है ये हदीस गदीर खम की हदीस गदीर खुम नहीं है गदीर खम है खम खुम और खम है खुम तो चाटी चाट ही तो वही चाट ही नहीं खुम खम पीचो खम जिसमें कुड़ हो गम गदीर, -खं। गदीर, -खं। गदीर, -खं। गदीर -खं। जिसमें नबी ने फरमाया मनकुन तो मौलाफ उन मौला मेरे साथ ताल्लुक रखते हो तो अली के साथ ताल्लुक रखना होगा ये कैसी बात है कि मेरे साथ ताल्लुक रखते हो और अली को बुरा भला कहते हो गदीर गदर तालाब को गदिर कहते थे अरब इसलिए कि वहां तो वो तो रेतली जमीन थी ना तो एक आदमी एक रास्ते से गुजरता था वहाँ उसने तालाब देखा पानी है अरब में तो पानी कम है अब कुछ दिनों बाद या कुछ महीने बाद किसी ने पूछा यार मैं फ़लान रास्ते से जा रहा हूँ वहाँ पे पानी मिलेगा उन्होंने कहा हाँ हाँ मैंने पानी देखा था वहाँ फ़लान इलाके पे इतने कोस आगे जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें पानी मिलेगा तालाब ग वो आदमी उस रास्ते से गया तो वो तालाब खुश हो गया था दूसरे लोग कहते यार हमने देखा हमने उसका पानी पिया कहते यार उसने तो गद्दारी की उसने तो बेवफाई की पहले यहाँ पे तालाब मौजूद था अब तो उसने बेवफाई की तो तालाब का नाम ही बेवफा पड़ गया गदिर गदर उसने गदर उसने धोखा दिया हमें हम चाहते वहाँ से पानी मिलेगा उसने तो हमें धोखा दिया ये सारी बातें मैं किस बात के लिए आपके सामने रख रहा हूँ ये इसलिए रख रहा हूँ कि इंसान के मिजाज में और उसकी फितरत में उसकी तबीयत में अल्लाह ताला ने एक बात रखी है वो वफा चाहता है उसके मिजाज में ये बात है अगर जो लोग वफा चाहते तो हैं करते नहीं हैं वो किसी आदमी से किसी ने पूछा ना आप क्यों परेशान हैं कहते मैं सच्चे आदमी की तलाश में हूँ तो उसने कहा यार खुद सच्चा बन जाओ ना दूर क्यों जाते हों किसी दूसरे आदमी की तलाश में मारा मारा सरगरदान पेरते हो खुद सच्चा बन जाओ तो आप वफा की तलाश में हैं तो खुद वफादार बन जाए अपने आप को दरियाफ्त कर दे इंसान की फितरत में अल्लाह ताला ने वफा रखी है अल्लाह ताला खुद वफा करता है इन्नल्लाह ला इनल्लाखल्फुल मिया अल्लाह ने कसम खाई है कि मैं वादे की मुखालफत नहीं करूँगा वादन आलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन क़यामत आएगी और ये हमने वादा किया है और हम इसको करके रखेंगे क़यामत बरपा करके रखेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बड़ी तारीफें आप करें ना तो हर तारीफ दूसरी से बढ़कर है हज़रत हज़रतमर रजी अल्लाह तुम एक दफ़ा सफ़र पर जा रहे थे मैंने पहले भी शायद कुछ साल पहले इसका तस्करा किया था ड्रसते जा रहे थे अपनी खिलाफत के दौर में तो अचानक जाहिर है नबी सुसलम याद आ गए तो एक शेर पढ़ा उन्होंने व ममलत हाँ मन् नाकतिन फ़ोकाख लबर्रवाओ जम्मत मिन, मिन मुहम्मद अरब तो ऊँटने ऊपर सवारी करते हैं मतलब ये है कि वो अरब जो ऊँटियों पर सवारी करते हैं इनमें ऐसी माँ अभी तक पैदा नहीं हुई जो ऐसा बच्चा जने हाँ? जो अबर्रा व औफा ज़िम्मा जो ज़्यादा नेक हो और ज़्यादा वादे का पाबंद हो मोहम्मद वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी सिफ़त क्या है वो नेक तो है अबर सबसे ज़्यादा नेक लेकिन दूसरा जो उन्होंने फरमाया वह अफाद मतन वो सबसे ज़्यादा वफादार सबसे बढ़कर वफादार किसी अरब खातून ने नहीं है वो तो अरबों की बात करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी खसूसियत वफादार है भी वफा चाहता है वफा करता भी है वफा चाहता भी है वसल्लम वफा करते भी हैं वफा चाहते भी आप भी हम भी वफा हम एक चीज खरीदते हैं भाई इसकी वारंटी क्या है ये मोबाइल तुम मुझे बेचते हो बीस हजार पचास हजार एक लाख यार कितनी वफा है इसके अंदर कितना मुद्दत कितनी मुद्दत ये काम करेगी ये निकाह वफा है निकाह, ये सारी जिंदगी की वफा का आहद है उसको तोड़ना खुदा को पसंदीदा चीज नहीं है इस पर वफा करना चाहिए दोनों को मालूम होना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ वफा करेंगे इसी वजह से इस सियााक में जब भी बात आती है तो अल्लाह ताला फरमाता है या आयोहीन आमन इतकुल्ला से डरो इस वफा को पूरा करना है तुमने इस आहद पे तुमने वफा करना है हर चीज़ के बारे में भाई इसकी क्या वारंटी इसकी क्या गारंटी है मशीनरी खरीदते हो बिल्डिंग खरीदते हो क्या करते हो क्या करते हो चाहते हो कि वफा हो जाए मेरे साथ बेवफाई ना हो तुम खुदा से भी बेवफा करो ना अल्लाह तुमसे कौन सा वफा चाहता है वो ईमान चाहता है और किरदार चाहता है और इसी ईमान और किरदार जिसको अमल सालह कहते हैं अमल साले क्या चीज़ है किरदार है आप पूरे अमल साले के एक एक जुज एक एक जुजी एक एक गोशे को लें तो क्या आप उन बातों को किरदार से अलग कर सकते हैं वो किरदार है एक मोमिनाना किरदार वफाशार किरदार खियानत, बदहदी जफा तालकी काल्ली से पाक किरदार यही चीज है जो अल्लाह ताला तुमसे और मुझसे चाहता है और फिर अल्लाह ताला जो वफा करता है अल्लाह ताला जब फिर वफा पे आता है तो आपके साथ फिर वो ऐसा वफा करेगा कि आपके तस्वुर में भी नहीं होगा आपके तस्वुर में भी नहीं होगा बस आपसे ये चाहता है कि आप मेरे ऊपर अतमाद करें ईमान बिलगैब क्या चीज़ है अल्लाह पर एतम करना बस जब अल्लाह जब कहता है कि है ऐसा तो है ना अब तुम अपनी छोटी छोटी मालूम की बुनियाद पर और मामूली से इलम की बुनियाद पर और मामूली से तजर्बे की बुनियाद पर इस पूरी कायनत और उसके खालिक और उसके सिस्टम और निज़ाम और उसके अंदर जो अल्लाह ताली ने जो कुछ रखा है उसके बारे में तुम बात करते हो तो ज़रा तो शर्म आनी चाहिए जरा मानी चाहिए क्या तुम्हारे पास जो इलम है वो ज्यादा है या जो तुम्हें जो तुम नहीं जानते वो चीज़ें ज्यादा है जो तुम्हारी नज़र में आती हैं जो तुम्हारे इलम में आई हैं वो चीज़ें ज्यादा है या जो तुम्हारे इलम में भी नहीं आई है वो ज्यादा है मुझसे एक साहब ने पूछा ये अंग्रेजों में के मुल्क में जो पैदा होते हैं ना और बड़े पखनाटे होते हैं पखनाटे पखनाटियान मुंतकी वो कहते हैं आई एम ब्रिटिश बॉय बर्थ मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ तो वो सवाल करते थे तो एक दफ़ा मुझे कहा एक जवान ने कि ये तो कुरान ने सात आसमानों की बात की है और साइंस में तो अभी सात आसमानों की बात नहीं है तो मैंने कहा साइंस को भी ज़मीन पर अपनी नाक रगड़नी चाहिए तोबा करनी चाहिए कि अल्लाह ने जो बता भी दिया वो भी अभी तक साइंस मालूम ना कर सकी तो जो नहीं बताया है वो उसका बाप भी मालूम नहीं कर सकेगा जब खुदा ने बताया कि सात हैं और अभी तक आपने एक भी दरियाफ्त नहीं किया आप पहले आसमान पर चले गए अभी आप तो कहकिशाओं में भी गुम हैं अभी तो आप कहकशाओं में गुम है अभी तो पहले आसमान का तुम्हें पता ही नहीं है तो नाक रगड़नी चाहिए फिर बजाय इसके कि अपने इलम पर इतने नाजा हो जाए कि जब मैं नहीं जानता वो अकबर इलाहाबादी ने क्या है कि कहते रास्ते जाते हुए कॉलेज के लड़के से मैंने पूछा कि भाई आरश जानते होश उसने कहा मैंने तो जोग्राफिया पढ़ा है उसमें तो अरश नहीं है तो उसने शेर कहा कि क्यों कर खुदा के अरश के कायल हो ये अजीज जोग्राफिया में अरश का नक्शा नहीं मिला वो तो आपकी जोग्राफिया को रगड़ना चाहिए नाक अपनी जमीन पर तो उसे नहीं मालूम और आप उसी जोग्राफिया के बुनियाद पर कहते हैं कि अरश तो जोग्राफिया में नहीं है ना लव है ना कलम है ना आसमान है न जन्नत है न जाननम है कुछ भी नहीं है तो अल्लाह ताला वफा चाहता है और वफा के बदले में वो आपको जो कुछ देगा वो इसी बुनियाद पर देगा कि तुमने मेरे ऊपर अहतम किया मेरी हर बात पर तुमने अहतम किसी कुछ चीजें तुम जानते थे कुछ नहीं जानते थे जरूरी है कि दुनिया में जो चीज़ें हमारे सामने हैं इंसानों के आमाल हम सब को जानते हैं आप जाकर यदि ये इसी चुंगी पे आगे जाए ना तो उधर वो सेंट मारी स्कूल है क्या नाम है उसको उसमें बग़ैर इजाजत के अंदर चले जाएं तकरीर कर दे वहाँ या इस दूसरी तरफ जाए वहाँ पे दरवाज़ा कटखटाएं कि मैं भी यहाँ आ रहा हूँ वो कहते यार आप कौन हो कहते मैं पाकिस्तानी हूँ ना मैं मुझे हर जगह जाने की जाए कहते कि के इसका दिमाग ख़राब हो गया जाओ भाई इंसानों ने दीवारें चुनी हैं वहां पे आप नहीं जा सकते इंसानों ने एक चीज़ बनाई है वहां पे उसको आप नहीं समझ सकते उसके बारे में आप पूछ भी नहीं सकते अदालत ने फैसले दिए हैं हर फैसले के बारे में आपको एतमाद में लिया है कि मैं फैसला करूं कि ना करूं सारे लोगों को एतिमाद... आप चुने हर मुद्दे और हर मुद्दालय को एतमाद में लिया है खुदा खुँ। के बारे में तुम कहते हो कि मुझे एतमाद में लिए बग़ैर ये हुक्म नाफिज किया है शर्म होनी चाहिए यार हया होनी चाहिए इसी वजह से तो रसुल् ने फरमाया यार यारहयूमिन हक़ अल हया कुछ खुदा से भी तो हया करो इंसानों से तो हया करते हो इंसान कोई फैसला करता है और तुम झुझकते हो पूछ भी नहीं सकते हो अपना हक भी नहीं पूछ सकते तुम जैसे इंसान है उसे तो ये हक देते हो खुदा कोई फैसला करता है खुदा कोई हुक्म लाता है कहते है, मुझे अहतमाद में मैं मेरी समझ में नहीं आती ये रजिय अजाब कबर मेरी समझ में नहीं आता ये रजिय फ़लाँ ये वज़न अमाल पुराने ज़माने में लोग थे मोतजिला. ये वजन अमाल ये नमाज़ कैसे तोली जाएगी यार ये या रोज़ा कैसे तोला जाएगा ये तुम तोलोगे तुम्हारे सर पर दर्द है ये जो तोलने वाला है उसे पता है कैसे तोला जाएगा और तुम जाकर कर वहाँ पर देखोगे कि तोला जाता है कि नहीं तोला जाता है? तो वफा के बदले फिर अल्लाह ताला आपको बहुत कुछ देगा यही वो चीज़ है मैं इन साथियों से कल कह रहा था कि वफा अल्लाह ताला से वफा करोगे ना तो इसकी मिसाल किसी प्राइवेट कॉलेज में दाखिले की है जहाँ पे फेल होना नहीं है <laughs> बिल आखिर तुम्हें डिग्री मिलेगी तुम्हें डिग्री मिलेगी अल्लाह से वफा करो ईमान किरदार बिल आखिर तुम्हें जन्नत में जाना है और वहाँ पर वो कुछ मिलेगा जो तुम्हारे दिल दिमाग में भी नहीं लाआन रतलाज़न समस्मअत वाला वाला ख़तरा अला कलब बशर किसी कान ने सुने नहीं फ़रिश्तों ने भी ये जबरील ने भी नहीं सुने वो जो जन्नत में है ना खुदा के हाँ जो नहमत फ़ला तमफसन मा उफीमन आय किसी सांस लेने वाले को नहीं मालूम किसी सांस लेने वाले को नहीं मालूम कि उसकी आंखों की ठंडक के लिए क्या कुछ तैयार किया गया है लाइन उन रत किसी आंख ने दे फरिश्तों ने भी नहीं देखी, देती वजन समायात और किसी कान ने सुने नहीं है वला खतरा अला कल बशर और इंसान के जहन में क्या क्या तस्वुरात नहीं आते दुनिया तस्वर से बहुत पीछे है पर तस्वर मिजान बादशाह को औच सर में पुरत को मलंग दुनिया के बाद चाहती दुनिया तस्वर से बहुत पीछे है आखिरत इंसानी तस्वर से बहुत आगे है लेकिन ये किस चीज़ के बदले ये अल्लाह से वफा के बदले अकूल कब्लिहा बारकल्ल